ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ, 1 ਜ਼ਖਮੀ। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता फैलाने खिलाफ की कार्रवाई। अश्लील सामग्री पेश करने लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप ओटीटी प्लेटफॉर्म से 57 सोशल मीडिया हैंडल पर सारे देश लाई रोक। नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला कानून है, कुछ थमा भी नागरिकता नहीं लायक वापस, आख्या अमित शाह ने। नशे का कारोबार, पुलिस से उन्हें सुरक्षा बने लिए बड़ी चुनौती, ये खिलाफ असरदार कार्रवाई लिए दोहरे तरीके करने काम करने की लोड़, आख्या डीजीपी आरआर स्वैनोरे। नमस्कार, डीडी काशीर थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें इस बुलेटिन च तुंदा सभनें दा स्वागत है। तो हुण पेश खबरां तफसील करना है। इक्के परिवार के उसलै चौं जने की मौत हो गई, एक और जख्मी हो गया जिसलै गड्डी जेदे चो सफर करा करदे हे किश्तवाड़ जिले के बंदरकूट इलाके च अज एक डूंगी खाई च जाई डिगी पई। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव होरें आख्या जे इह हादसा उसलै पेश आया जिसलै गड्डी बंदरकूट के लागे सिड़क थमां रुल के डूंगी खाई च जाई डिगी पई। 3 से 3:30 के बीच में एक दर्दनाक हादसा हुआ है बंदरकूट में, जो हमारा हेलमेट टॉप का एरिया जाना जाता है। इसमें एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो एक फैमिली के ही 5 लोग थे। ये गाड़ी वहाँ पे जैसा आपको पता है काफ़ी हाइट है, वहाँ से सीधा नीचे गिरी और उसमें जो एक फैमिली के 4 मेंबर्स हैं उनकी ट्रेजिकली डेथ हुई है। एक अभी बच्चे हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनके सारे टेस्ट वगैरह करा लिए गए हैं। हमारी टीम यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द फैमिली को बॉडी उनकी हैंड ओवर कर दी जाए, साथ साथ उनकी जो भी रेड क्रॉस से मदद हो सकती है हम लोग करेंगे। ADC साहब आज यहाँ मौजूद रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें की एक राष्ट्र एक चुनाव बारे रिपोर्ट पेश की। 18,626 बरकें की यह रिपोर्ट हितधारकें विशेषज्ञों कन्ने लगातार गलबात परामर्श करने 191 दिनों के शोध मगरा तैयार की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे मुल्क च एक गै समय च चुनाव करवाना है। इसका मतलब है लोकसभा ते राज्य विधानसभा लिए चुनाव किट्ठे करवाए जांगण। भारतीय जनता पार्टी ने कल आने वाले लोकसभा चुनाव लिए अपने 72 उम्मीदवारों की दुई लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर थमां चुनाव लड़गन, जिसलै के नितिन गडकरी नागपुर सीट थमां, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर थमां ते डॉक्टर भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट थमां चुनाव लड़गन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें मुल्क भर च पहली बारी वोट देने वाले मतदाताएं के उत्साह की झलक पेश करते हुए एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री होरें सोशल मीडिया पोस्ट एक्स उपर पोस्ट किया जे भारत के हर एक हिस्से च नौजवान आखा करते हैं जे मेरा पहला वोट देश के लिए। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। हम पहली बार वोट देने वाले हैं। मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरे पहले वोट देश के लिए। आइए सब मिलकर इस कैंपेन का हिस्सा बनें। जय हिंद। जम्मू कश्मीर च धारा 370 रद्द किए जाने मगरा 11 लाख मतदाताएं का वाधा होया, जिंदे नाम मतदाता सूचियों दर्ज किए गए ते हुण पहली वाली रियासत च चुनाव दौरान वोट पाई सकते हैं। 2019 च मतदाताएं की कुल गिनती 76 लाख ही, जिदे च 39,45,000 पुरुष ते 36,38,000 महिला मतदाता हियां। इहदे मगरा 2023 च मतदाता सूचियों नजरसानी लई शुरू की गई मुहिम मगरा 1 जनवरी 2024 च मतदाताएं की गिनती 86 लाख पुजी गई, जिदे कन्ने 2019 मगरा तकरीबन 11 लाख मतदाताएं का वाधा होने का पता लगता है। धारा 370 हटाए जाने मगरा बख-बख तबके कन्ने तालुक रखने वाले लोकें जियां पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजी वाल्मीकि ते गोरखा समुदाय की नागरिकता थोई है ते जम्मू कश्मीर च चुनाएं गी लेइए एदे कन्ने उत्साह और भी मता बधी गया। जिस चाली मतदाताएं दी गिनतरी च वाधा होया ते धारा 370 रद्द किए जाने मगरा बख-बख तबके की नागरिकता हासिल होई है,
ओदे कन्ने जम्मू कश्मीर च नवा उत्साह दिखाया जा करदा है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील ते समाज लई नुकसानदेह सामग्री पेश करने लई 18 ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म उपर रोक लाई दिती है। इंदे च ड्रीम्स फिल्म, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, प्राइम प्ले ते अनकट अड्डा शामिल न। एदे कन्ने गै इने प्लेटफॉर्म कन्ने जुड़ी दियां 19 वैबसाइट, 10 ऐप ते 57 सोशल मीडिया अकाउंट दे भारत च 10 ने ते आम लोकें तोड़ी इंदी पुज उपर रोक लाई दिती गई है। सरकार आसा यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के प्रावधानें तहत होरने मंत्रालय ते मीडिया ते मनोरंजन, महिला ते बाल अधिकारें ते माहिरें कन्ने सलाह मशवरा कीते मगरा लैता गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोर देइए आखे जे नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला कानून है ते कुसा कोला भी ओदी नागरिकता वापस नहीं लैग। एक खबर एजेंसी की इंटरव्यू दौरान शाह ने आखे जे एक कानून हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई ते फारसी रिफ्यूजी जेड़े अफगानिस्तान, बांग्लादेश ते पाकिस्तान थमां आए देन उनेंगी नागरिकता दिंदा है। केंद्रीय मंत्री ने आखे जे अल्पसंख्यक तबके की एदे शा डरने की कोई लोड़ नहीं है कि जे नागरिकता संशोधन कानून च इस चाली का कोई प्रावधान नहीं है जे जेदे कन्ने कुसा भी नागरिक थमां ओदी नागरिकता वापस लैती जाई सके। उन्हें आखे जे कुसा लई भी बुए भेड़े दे नहीं हैं ते मुस्लिम समुदाय की भी यह पूरा अधिकार है जो नागरिकता लई अर्जी दे सके। इनको उनका अधिकार देने का कानून है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। रक्षा मंत्रालय ने 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद लई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कन्ने 8073 करोड़ रुपए के दो करार किए। मंत्रालय ने आखिर इस सौदे पर भारतीय सेना लई 25 हेलीकॉप्टर ते भारतीय तटरक्षक बल लई उनकी समुद्री भूमिका लई 9 लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने लई मोर लाई दी है। हेलीकॉप्टर की यह खरीद देसी डिजाइन विकसित निर्मित श्रेणी तहत की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आखिर सरकार कश्मीरी पंडित विस्थापितें पश्चिमी पाकिस्तान से पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजी की नौजवान पीढ़ी की एक नवी पछाण देन जा रही है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर च कश्मीरी पंडित विस्थापितें पश्चिमी पाकिस्तान ते पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजी के नौजवानों की स्वरोजगार वास्ते द्वार मंजूरी का लैटर देने के कार्यक्रम दौरान उपराज्यपाल ने आख्या कि पिछले बरे इस चाली का एक कैंप नगरोटा के जगती कैंप च लोया गया जेदे च मते सारे नौजवानों की अपना काम रोजगार शुरू करने का मौका थोया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आखे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आख्या जो माली तौर पर कुसा भी नौजवान की परेशानी नहीं होनी लोड़ती है। उन्हें आखे जो जम्मू कश्मीर बैंक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत अपना काम रोजगार शुरू करने वाले सारे नौजवानों की आर्थिक मदद दिया करता है। और इन्हें बुलाना चाहेंगे अंकिता सूरी। अपना कुछ करना चाहते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ये लक्ष्य था। फिर उसका विस्तार यूजेके और डब्ल्यूपीआर के लोगों के लिए भी हुआ, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि बिना किसी भेदभाव के समूह सभी समुदाय विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करें। पुलिस महानिदेशक आर स्वैनो ने आज आखिर नशे का कारोबार एक बड़ी चुनौती बनता जा करता है ते पुलिस से और ने सुरक्षा बलों की ये खिलाफ असरदार कार्रवाई लई दोने बखी का काम करना होग। छन्नी इमच नशा मुक्ति केंद्र से यदि चपेट आए लोगों के मानसिक पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन करने मगरा उन्हें इं आख्या। जम्मू कश्मीर च नशे के कारोबार की किन्नी बड़ी चुनौती बारे एक सवाल के परते च डीजीपी ने आखिर जम्मू कश्मीर के एक बन्ने वाली रियासत होने जी देश के पश्चिमी हिस्से मौजूद है उत्थे गुआढ़ी मुल्खे थमां एरोइन ते ब्राउन शुगर जिने नशे दिए बड़ी खेप की तस्करी की जा करती है। उन्हें आखिर ज किस चिर पहले थोड़ी इत्थे गै तैयार की जाने वाली चरस गै एक बड़ी चुनौती ही, पर हुण इहदे च बड़े पैमाने उपर शमूलियत है ते एरोइन ब्राउन शुगर जिने नशे की भारी मकदार च इस पक्षी भेजा जा करता है। उन्हें आखिर ज पहले इं पंजाब च हुंदा हा पर हुण इत्थे भी बदन लगी पिया। उआ उन्हें आखिर जो जम्मू कश्मीर की पंजाब नहीं बनन दिता जाग। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले एक दहाके दौरान घरेलू से कुल संसारी सतह पर साइंसी तरक्की भारत की भूमिका की सराहना की है।
एक रिपोर्ट जेदा विषय है आत्मनिर्भर भारत लई विज्ञान ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र दा एक दहाका। इस रिपोर्ट की नवी दिल्ली जारी करदे होए डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें जोर भरिया जे अंतरिक्ष शोध दे खेत्र च चंद्रयान ते आदित्य L1 जनेही कामयाबी कन्ने भारत दी ताकत वधी है ते इहदे कन्ने देश कुल संसारी सतह पर सारे दे सामने केंद्र च आया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें भारत दे गगनयान मिशन जिहदे कन्ने अंतरिक्ष भारत दा रुतबा होर वधोग उहदे उप्पर बड़ा मान जताया है। उन्हें आखिया कि मौजूदा समय च भारत सेहत दिखभाल च भी अगुवा की भूमिका निभांदे होए सारी दुनिया च कई मुल्खें की दवाई उपलब्ध करवा करता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दसें बख-बख क्षेत्रों की ताल की है जिंदे उपर नवी स्टार्टअप नीति 2024 2027 के तहत चेचे ध्यान दिता जाग। इन्हें दसें खेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण से एदे कन्ने जुड़ी दियां गतिविधियां, कृषि से एदे कन्ने जुड़ी दियां गतिविधियां, हथखड्डी ते हथकरघा, शिक्षा, सेहत सेवा ते दवाइयां, कपड़े ते फैशन टेक्नोलॉजी, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें का डिजाइन ते उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी कन्ने जुड़ी दियां सेवा, सैलसफा ते रोमांचक खेडां, पर्यावरण संरक्षण ते पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी शामिल है। ध्यान देने वाली गल है जे यूटी प्रशासन ने 2027 तोड़ी भारत च जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख स्टार्टअप सृष्टि वाली थार के तौर पर बनाने का निशाना रखे दा है। इस नीति के तहत प्रशासन ने अगले 5 बरें तोड़ी जम्मू कश्मीर च घट्टो घट 2000 नवे स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य मिथे दा है। परोपकारी सुधा मूर्ति ने अज राज्यसभा सदस्य की सगंध चुकी। संसद भवन च राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ होरें राज्यसभा लई चुनी गई सुधा मूर्ति होरें गी सगंध चुकाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें मन्नी परमन्नी शिक्षाविद, लेखिका ते परोपकारी सुधा मूर्ति होरें गी राज्यसभा ताई नामांकन किया। रियासी जिले च भारत के पहले केबल रेलवे पुल ते अंजी खड्ड पुल के तकरीबन पूरा होने कन्ने इस इलाके लई व्यापार ते सैलसफा च वाधा होने की पूरी उम्मीद है। एदे पूरा होने मगरा अंजी खड्ड पुल लोकें ते समयान की इलाके च आने जाने लई सक्षम बनाग जिहदे कन्ने मकामी अर्थव्यवस्था खास तौर पर केसर दे व्यापार ते सैलसफा की बढ़ावा थोग। मेद है जे भारत सरकार तौले गै इस पुल की खोलने की घोषणा करोग। अंजी खड्ड पुल तारे उपर खलोते दा है ते इसी थम राए संतुलित किया गया है। यह मुख्य थम नीह दे उपरा 193 मीटर उच्चा है। अंजी खड्ड पुल दरिया की सतह थमां 331 मीटर ऊंचाई उपर खलोते दा है। रामबन जिले च बनिहाल दे वागन अल्ला इलाके च घट्टो घट 40 मकानें ते एक सरकारी प्राइमरी स्कूल च जिमी धसने करी दरारां पैदा होई गईआं। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी हुंदे निर्देशें पर SDM बनिहाल रिजवान असगर दे कन्ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दे अफसर इस इलाके च पुज्जे ते नुकसान दा जायजा लैता। मकामी लोकें आरोप लाया जे जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़का दे कंडे जिमी दी कटाई होने करिए मकानें च दरारां पैदा होई गईआं। डीडी न्यूज़ कन्ने गल्लबात करदे होए SDM बनिहाल रिजवान असगर होरें आखिया कि तहसीलदार बनिहाल इम्तियाज अहमद हुंदी अगुवाई च इक खास टीम बनाई गई है जिहड़ी इलाके च ओहदे नुकसान ते मौजूदा स्थिति दा जायजा लैग ते लोकें दी सुरक्षा संबंधी उपा दसोग। आने वाले लोकसभा चुनाएं गी दिखदे होए ते पार्टी की जमीनी सतह पर और मजबूत करने लई बीजेपी ने अज भद्रवाह च 2000 शक्ति केंद्र दे इंचार्ज ते बूथ अध्यक्ष दी बैठक दा आयोजन कीता। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी उपाध्यक्ष शक्ति राज परिहार होरें कीती जिहड़े भद्रवाह चुनावी हल्के दे इंचार्ज भी हैं। इस मौके उपर बोलदे होए शक्ति राज परिहार होरें आख्या जे पार्टी वर्करें दा जोश ते उनेंगी जनता थमां जिस चाली दा समर्थन हासल होआ करदा है उह साफ तौर पर दसदा है जे बीजेपी न सिर्फ अरब बूथ थमां पार्टी लई 370 और मते वोट हासिल करने दे लक्ष्य की पार करी लैग, सगुआं NDA भी लोकसभा चुनाएं च 400 सीटें दे निशान की पार करी लैग। रामबन कस्बे च अजे तोड़ी सैकड़ा रेहड़ी फड़ी आलें गी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तहत आसान द्वार कर्जे हासिल होए। रामबन च बख बख बैंकें दे मैनेजरें आसिया दित्ती गई जानकारी मुजब अजे तोड़ी 217 रेहड़ी फड़ी आलें इस योजना तहत माली सहायता हासिल की है। इंदे शा मते 20,000 रुपये का द्वार कर्जा अपने शुरुआती 10,000 रुपये के द्वार की मकांदे होई लैता है। इंदे शा कईयें दे कारोबार चलने मगरा 20,000 रुपये का द्वार परताइए हुन 50,000 रुपये का द्वार लिया है। इस स्कीम की सराहना करते हुए इन्हें रेहड़ी फड़ी आलें उन्दे लई एक कल्याणकारी स्कीम चलाने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा धन्नवाद कीता है। खबरें ते इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दी इजाजत, नमस्कार।